उस दिन वातावरण ठंडा था। सजगता सहित दोपहर का भोजन कर लेने के बाद प्रत्येक भिक्कू ने अपना पात्र धोकर साफ किया और अपना अपना आसन जमीन पर बिछाकर बुद्ध की ओर मुख करके बैठ गए। वेणुवन की गौरैया चिड़िया निडर होकर भिक्कुओं के बीच आ जाती और कुछ बांसों की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठी थी। स्वास्थी ने देखा कि राहुल बुद्ध के ठीक सामने बैठा है। वह पंजों के बल चलता हुआ वहां तक गया और राहुल के बराबर ही आसन डालकर बैठ गया। सभी पद्मासन पर बैठे हुए थे। शांत और गरिमापूर्ण वातावरण में सभी मौन थे। स्वास्थी जानता था कि सभी सजगता से श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और बुद्ध की देशना आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बांसों से बना मंच बस इतना ही ऊंचा था कि हर कोई बुद्ध को भली भांति देख सके। बुद्ध एकदम सहज थे, किंतु समूचा वातावरण गरिमापूर्ण था। जब उन्होंने एकत्र भिक्कुओं को देखा तो उनकी आंखों से प्रेममय करुणा की वर्षा हो रही थी। उनकी आंखें जब स्वास्थी और राहुल पर टिकी तो वे मंद मंद मुस्काए और अपनी देशना आरंभ की। आज मैं आपसे भैंसों की देखभाल की चर्चा करूंगा। अच्छे चरवाहे को क्या क्या आना चाहिए और उसे क्या कुछ करना चाहिए। जो भैंसों की ठीक से देखभाल करता है वह अपने भैंसों को आसानी से पहचानता भी है। वह हर एक भैंसे की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है। वह जानता है कि कैसे रगड़कर उन्हें नहलाना है, उनके घावों को कैसे ठीक करना है, धुएं के माध्यम से कैसे मच्छरों को भगाना है, उनके चलने के लिए सुरक्षित रास्ता खोजना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, नदी पात करने के लिए सुरक्षित एवं उथला स्थान देखना है, उनके लिए ताजी घास और पानी ढूंढना है, चारागाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैंसों को छोटे भैंसों के लिए आदर्श बनना है। सुनो भिक्कुओं, जैसे चरवाहा अपने हर भैंसे को पहचानता है, उसी प्रकार भिक्कू को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्वों को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंसे की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है, उसी प्रकार भिक्कू को जानना चाहिए कि शरीर, वाणी और चित्त के कौन कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से बुरे। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहलाता है, भिक्कू को अपने मन और शरीर को इच्छाओं, राग, क्रोध और वितृष्णा के मैल से कैसे शुद्ध रखना चाहिए। जब बुद्ध देशना दे रहे थे तो उन्होंने स्वास्थी पर से दृष्टि नहीं हटाई। स्वास्थी ने अनुभव किया कि बुद्ध की देशना का स्रोत वही है। उसे याद आया कि वर्षों पहले वह जब बुद्ध के पास बैठता था तो बुद्ध पूछते थे कि तुम भैंसों की देखभाल कैसे करते हो, सभी कामों को विस्तार से बताओ। अगर वह यह सब बात उन्हें नहीं बताता तो राजमहलों में पला बड़ा राजकुमार भला भैंसों की देखभाल की इतनी बातें कैसे जान सकता था। यद्यपि बुद्ध सामान्य स्वर में ही देशना कर रहे थे, किंतु उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक एक शब्द हर कोई समझ रहा था। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के घावों की देखभाल करता है, भिक्कू को अपनी छहों इंद्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और चित्त पर नज़र रखनी चाहिए, जिससे वे आसक्तियों में भ्रमित ना हो जाएं। जैसे चरवाहा आग जलाकर धुएं के द्वारा भैंसों की मच्छरों से रक्षा करता है, उसी प्रकार भिक्कू को भी उपदेशों का प्रयोग करके जागृत रहना चाहिए, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को दिखा सके कि शरीर एवं चित्त की अभिप्साओं का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे चरवाहा भैंसों के आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ते तलाश करता है, भिक्कू को उन मार्गों से बचना चाहिए जो ख्याति, धन एवं इंद्रिय सुख की कामना जगाते हैं, जैसे मनोरंजन के स्थान पर जाना। जिस प्रकार चरवाहा अपनी भैंसों से प्रेम करता है, भिक्कू को ध्यान के आनंद और शांति की चाह रखनी चाहिए। जैसे चरवाहा भैंसों को नदी पार ले जाने के लिए सुरक्षित और उथले पानी वाली जगह की खोज करता है, उसी प्रकार भिक्कू को
अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चार आर्य सत्यों पर निर्भर रहना चाहिए। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के लिए ताजी घास और पानी की खोज करता है, भिक्खुओं को सम्यक जागरूकता के चारों चरणों को जानना चाहिए, जो निर्वाण की दिशा में बढ़ने के संबल होते हैं। जिस प्रकार चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूरत से ज़्यादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्खु को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु के भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है, भिक्खु को वैसे ही वयोवृद्धों के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करना चाहिए। ओ भिक्खुओं, जो भी इन 11 बातों पर आचरण करता है, वह 6 वर्षों के अभ्यास द्वारा अर्हत बन सकता है। स्वास्थ्य आश्चर्यपूर्वक सब कुछ सुनता रहा। बुद्ध को वह हर बात याद थी जो 10 वर्ष पहले उसने उनसे कही थी, और उसकी हर बात को बुद्ध ने भिक्खुओं द्वारा तपस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रयोग किया था। यद्यपि स्वास्थ्य जानता था कि बुद्ध समस्त भिक्खु समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उसके मन पर इस बात की स्पष्ट छाप थी कि मानो बुद्ध सीधे उसे ही संबोधित कर रहे हों। उसकी आंखें एक पल के लिए भी बुद्ध के चेहरे पर से नहीं हटी थीं। उनके वचन ऐसे थे जो सीधे हृदय को छूने वाले थे। हालांकि 6 इंद्रियां, 4 आर सत्यों और सम्यक जागरूकता के 4 चरण सरीखी गूढ़ शब्दावली को स्वास्थ्य समझ नहीं सका था। वह राहुल से पूछकर इनके अर्थ को बाद में भली प्रकार जान लेगा, किंतु बुद्ध की देशना का मूल भाव वह समझ गया था। बुद्ध की देशना चल रही थी। वह उपस्थित भिक्खुओं को भैंसों के चलने के लिए सुरक्षित मार्ग चुनने के विषय में बता रहे थे। अगर उस मार्ग में बहुत से कांटे होंगे तो वे भैंसों को चुभ जाएंगे, जिनसे उन्हें घाव लगेंगे। घाव पक सकते हैं, और यदि चरवाहे को पता नहीं हो कि घावों को कैसे ठीक करना है, तो भैंसे को बुखार हो सकता है और वह मर भी सकता है। सम्यक धर्म मार्ग का आचरण करना भी वैसा ही है। यदि भिक्खु सम्यक धर्म मार्ग नहीं जान लेता तो उसका मन तथा शरीर घायल हो सकते हैं। लोभ और क्रोध उसके घावों को और भी विषाक्त बना सकते हैं, और स्थिति इस सीमा तक पहुंच सकती है कि निर्वाण का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। बुद्ध बोलते बोलते थोड़ा रुके। उन्होंने स्वास्थ्य को संकेत से अपने पास आने को कहा। स्वास्थ्य हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य का उपस्थित भिक्खुओं से परिचय कराते हुए कहा, 10 वर्ष पहले मेरी भेंट स्वास्थ्य से गया के समीप एक वन में हुई थी, जब मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं हुई थी। उस समय यह 11 वर्ष का था। स्वास्थ्य की लाई हुई कुशा से मैंने आसन बनाया था, जिस पर मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। भैंसों की देखभाल का जो भी बातें मैंने अभी बताई हैं, वे सब मैंने इसी से सीखी थी। मैं जानता था कि यह बहुत अच्छा चरवाहा है, और आज मैं जानता हूँ कि यह एक श्रेष्ठ भिक्खु भी बनेगा। सभी की आँखें स्वास्थ्य पर लगी थीं। उसके कान और गाल एकदम लाल हो उठे थे। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उसको नमन किया, और उसने भी सभी को नमन किया। सचेत श्वसन क्रिया की 16 विधियाँ बताने की राहुल को आज्ञा देते हुए बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की। राहुल ने खड़े होकर हाथ जोड़ और घंटा ध्वनि के समान स्पष्ट स्वर में प्रत्येक विधु का वर्णन किया और भिक्खु समुदाय को नमन किया। बुद्ध उठ खड़े हुए और मंद गति से अपनी कुटिया में चले गए। उनके बाद सभा में आए सभी भिक्खुओं ने अपने अपने आसन उठाए और धीरे धीरे वन में अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ भिक्खु कुटियों में रहते थे। बहुत से भिक्खु बांस के वृक्ष के नीचे ही खुले में सोते और ध्यान साधना किया करते थे। जब बहुत तेज वर्षा होती तो वो लोग अपने आसन उठाकर कुटियों में या प्रार्थना कक्षों में शरण ले लेते। स्वास्थ्य के आचार्य सारिपुत्र ने राहुल को पास ही खुले में उसके रहने का स्थान नियत किया था। जब राहुल छोटा ही था तो वह आचार्य की कुटिया में रहता, वही उसके मार्गदर्शक थे। अब उसे बांस वृक्षों के नीचे रहने का स्थान दिया गया था। राहुल के साथ रहने का स्थान पाकर स्वास्थ्य बहुत प्रसन्न था। उसी दिन तीसरे पहर बैठकर ध्यान साधना करने के पश्चात स्वास्थ्य ने अकेले ही चलित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने एकांत मार्ग चुना जिस पर किसी से मिलना ना हो, किंतु उसने पाया कि श्वसन क्रिया पर ध्यान करते रहना कठिन कार्य है।
उसका ध्यान अपने भाई बहनों और घर की ओर चला गया। निरंजना नदी की ओर जाता हुआ मार्ग उसकी स्मृति में कौंध गया। उसने देखा कि छोटी सी भीमा ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह नीचा कर लिया है और रूपक अकेले ही राम भूल की भैंसों की देखभाल कर रहा है। उसने इन विचारों को चित्त से हटा देने और अपने ध्यान अपने पथ संचलन और श्वसन क्रिया पर केंद्रित करने का प्रयास किया। उसे इस बात पर शर्म आई कि वह अपने अभ्यास में नहीं जुट पाया, वह बुद्ध के विश्वास के योग्य नहीं है। चलित ध्यान करने की चेष्टा के बाद उसने सोचा कि इस विषय में वह राहुल से सहायता मांगेगा। इसके अलावा और भी बातें थीं जो बुद्ध ने अपनी देशना के समय आज प्रातः कही थीं, जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे विश्वास था कि उन बातों को राहुल समझा देगा। राहुल के विषय में सोचते ही वह उत्साहित और शांत हो गया। इससे उसे अपने श्वसन क्रिया एवं पथ संचलन पर ध्यान लगाना आसान हो गया। स्वास्थ्य को राहुल की खोज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वह स्वयं ही उसे ढूंढता हुआ आ गया। वह स्वास्थ्य को लेकर बांस के वृक्ष के नीचे अपने स्थान पर गया और कहा, आज अपराह्न में मैं मां ने आनंद से मिला था। वह तुमसे उस समय की सभी बातों जानने के इच्छुक हैं जब तुम पहली बार बुद्ध से मिले थे। राहुल, ये मान्य आनंद कौन है? वे शाक्य वंश के एक राजकुमार हैं और वे बुद्ध के चचेरे भाई हैं। वे 7 वर्ष पूर्व ही भिक्खु बने हैं और आज श्रेष्ठतम शिष्यों में उनकी गणना होती है। वही महान गुरु के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। मान्य आनंद ने हम लोगों को कल शाम अपनी कुटिया में आने के लिए कहा है। बुद्ध जब गया वन में तपस्या कर रहे थे उस समय के विषय में, तो मैं भी सब कुछ जानना चाहूँगा। क्या बोधिसत्व ने आपको अभी तक सब नहीं बताया? बताया तो है, किंतु विस्तार से नहीं। मुझे विश्वास है कि उस समय की बहुत सी बातें तुम बता सकोगे। बातें तो बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन मुझे जो भी याद है अवश्य बताऊँगा। राहुल, मान्य आनंद कैसे व्यक्ति हैं? मुझे उनसे मिलने में कुछ घबराहट हो रही है। चिंता बिल्कुल भी मत करो, वे बहुत दयालु एवं मैत्रीपूर्ण हैं। मैंने उन्हें जब तुम्हारे परिवार के विषय में बताया तो वे बहुत हर्षित हुए। राहुल जब उठकर चलने को हुआ तो स्वास्थी ने उसका चीवर पकड़ लिया और कहा, आप कुछ देर और रुक नहीं सकते? मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आज सवेरे देशना में बुद्ध ने 11 बातों की चर्चा की थी जिनका पालन भिक्खु को करना चाहिए, लेकिन मुझे वे सभी बातें याद नहीं रहीं। क्या आप मुझे वो बातें दोबारा बता सकेंगे? मैं स्वयं उनमें से 9 बातें ही याद रख पाया हूँ। चिंता मत करो, कल वे सब बातें मान्य आनंद से पूछ लेना। क्या आपको विश्वास है कि मान्य आनंद को भी वो सब बातें याद होंगी? निश्चय ही, यदि वे 111 होती तो भी वे मान्य आनंद को याद होती। तुम अभी उनको जानते नहीं, किंतु यहाँ सभी उनकी प्रखर स्मरण शक्ति के प्रशंसक हैं। बुद्ध जो कुछ भी कहते हैं उसकी छोटी से छोटी बात तक वे पूर्ण शुद्धता से दोहरा सकते हैं। यहाँ सभी उनको बुद्ध का सर्वाधिक ज्ञानी संपन्न शिष्य मानते हैं। जब भी कोई बुद्ध की देशना की कोई बात भूल जाता है तो वह मान्य आनंद से पूछ लेता है। कभी कभी श्रवण वर्ग अध्ययन सत्रों का आयोजन करता है तो मान्य आनंद बुद्ध की आधारभूत शिक्षाओं को सुनाते हैं। तब तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे और कल उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ कि चलित ध्यान करते समय आप मन को कैसे शांत करते हैं? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि चलित ध्यान के समय तुम्हारे मन में अन्य विचार आते हैं, जैसे कि अपने परिवार की याद आना? स्वास्थ्य ने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया। आपको कैसे यह सब ज्ञात हुआ? मेरे साथ ठीक यही बीती है। पता नहीं क्यों आज शाम मुझे अपने परिवारजनों की बहुत याद आई। मुझे बड़ा खराब लगा। शायद मुझमें सधर्म पालन का संकल्प दृढ़ नहीं है। मैं आपके और बुद्ध के समक्ष शर्मिंदा अनुभव करता हूँ। राहुल ने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? जब मैं पहले बुद्ध के संग में आया था तो मुझे अपनी माता, अपने दादा और अपनी दादी की बहुत याद आई। कई रातों तक मैं आसन में मुँह छुपाए अकेला रोता रहा। मुझे पता है कि मेरी माँ, दादाजी और दादी जी को भी मेरी बहुत याद आई होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो गया। राहुल ने स्वास्थ्य को हाथ पकड़कर खड़ा किया और मित्र भाव से उसको गले लगा लिया।
तुम्हारी भाई बहनें बड़ी प्यारी हैं, यह सर्वथा स्वाभाविक है कि तुम्हें उनकी याद आए, लेकिन तुम शीघ्र ही अपने इस नए जीवन के अभ्यस्त हो जाओगे। हमें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, हमें निरंतर साधना अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सुनो, जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं तुम्हें अपने परिवार के विषय में बताऊंगा, ठीक है ना? स्वास्थी ने राहुल का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और स्वीकृति में सिर हिला दिया। इसके बाद राहुल अपने कपड़े धोने चला गया और स्वास्थी झाड़ू लेकर रास्ते में पड़ी बांस की पत्तियां साफ करने लगा।